आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, बैंक की पॉलिसियां आदर्श मतलब नियमों पर आधारित नहीं है। एक तरफ बैंक ये कहते हैं कि हम 5 बड़े बैंक बनाना चाहते हैं और छोटे बैंकों को उसमें मर्ज कर देंगे। दूसरी तरफ उनका कहना यह है कि NPA बहुत बढ़ रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमें बैंकों का मर्जर करना जरूरी है। लेकिन इस मर्जर में बहुत सारे विरोधाभास हैं। जैसे एक तरफ छोटे बैंकों को मर्ज करके बड़ा बैंक बनाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे बैंकों को नए बैंकों को लाइसेंस दे रहे हैं प्राइवेट बैंकों को। इसी तरह एक तरफ आप कहते हैं कि NPA खत्म करने के लिए बड़े NPA वालों को मर्ज कर रहे हैं, पर विजया बैंक में ना NPA है और प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, उसको क्यों मर्ज कर रहे हैं समझ में नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि जैसे बैंक IMF के इंस्ट्रक्शंस पे गवर्नमेंट बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने का एक इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया है कि पहले मर्ज करेंगे फिर उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, या मर्ज करके हम बड़े बैंक किनारे कर देंगे और प्राइवेट बैंकों को छोटे बैंकों को लाइसेंस देंगे। तो ये जो दोहरी नीतियां हैं, इसलिए हमारा विरोध है। प्लस सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि एम्प्लॉयज को उसमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। बैंक जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनका कनेक्शन विद द कस्टमर ब्रेक हो जाता है। तो कुल मिला के आप लोग इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्या? मतलब मेन कारण, अगर आपने पूरी एक स्थिति बता दी कि ये स्थिति इस वजह से हम विरोध कर रहे हैं, मुख्य कारण अगर पूछा जाए आप लोगों से कि क्या है मर्जर से सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान तो कस्टमर को ही होगा कि उन्हें दर दर भटकना पड़ेगा, उनका अपना कनेक्शन विद द बैंक खत्म हो जाएगा। और दूसरा परेशानी हमारे एम्प्लॉयज को होती है, छटनी होती है, ब्रांचेस कम होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह बड़े लंबे लंबे ट्रांसफर किए जाते हैं।